बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल प्योर हार्ट विद नितिका। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ बहुत ही मज़े का वाइट पुलाव। बेसिकली वाइट मटर पुलाव है, इतना कोई मज़े का बनता है, थोड़े से इंग्रेडिएंट होंगे, दो चार इंग्रेडिएंट में बन जाता है, बहुत ही कमाल का। और चावल मैं आपको बताऊँगी किस तरीके से आप इतना खिला खिला चावल बनाओगे, आप देख लो चावल इतना खिला खिला बनता है। और मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ कि चावल कितना लंबा और कितना अच्छा और कितना खिला हुआ बनाते हैं। ये देखें, बिल्कुल जुड़ा जुड़ा चावल ही बनेगा। स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। मैंने ले लिया था तकरीबन 1.5 कप घी का, और इसमें मैंने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज डाल दिए फाइन चॉप कट करके, और इसके साथ ही मैंने 1 टेबलस्पून नमक डाल दिया। नमक डालने से ये बहुत ही जल्दी जो है ना सॉफ्ट हो जाते हैं, हमें इसे गोल्डन साइड पर नहीं लेके जाना, ये ख्याल रखें कि सिर्फ ये सॉफ्ट हो, यानी कि सौते करने इनको। जैसे ही ये ट्रांसपेरेंट और सॉफ्ट हो जाएंगे, 1 टेबलस्पून लहसुन पेस्ट, 1 टेबलस्पून अदरक पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया, और इसको भी आपने जस्ट इसे सौते करना है कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसको गोल्डन साइड पे आपने बिल्कुल भी नहीं लेके जाना। ये मसाला गोल्डन साइड पे गया तो आपके राइस जो है वो ब्राउन बनेंगे। इसके बाद जैसे ही उसका कच्चापन ख़त्म हो गया, 1 गिलास पानी का डाल दिया, और पानी का गिलास डालने के बाद इसको मैं कर लूँगी अच्छा सा मिक्स। मिक्स करने के बाद कवर करके रख दूँगी इसे तकरीबन 5 से 10 मिनट तक, ताकि जो प्याज है वो अच्छा सा खुल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 5 मिनट के बाद मैंने हरी मिर्चों को, 14 से 15 हरी मिर्चों को अच्छा सा धोकर, और इसको मैंने बहुत ही फाइन चॉप इस तरीके से कट कर लिया था, मैंने इस मशीन में कर लिया था। और इसके बाद इन हरी मिर्चों को आपने 5 मिनट के बाद ऐड कर लेना है, और इसके बाद फिर मिक्स करने के बाद इसको मैं कवर करके फिर 5 से 7 मिनट के लिए रखूँगी, ताकि जो प्याज है वो अच्छा सा घुल जाएगा। ये देखें, अभी खड़ा खड़ा लग रहा है। इसके बाद कवर करके 5 से 7 मिनट आप रखोगे तो ये अच्छा सा बीच में घुल जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे बात कर लेते हैं, मैंने ले लिया है इटालिया का चिकन क्यूब, आप कोई सा भी चिकन क्यूब ले सकते हो, कनौर का ले लो, कोई सा भी चिकन क्यूब ले लो। आपने एक चिकन क्यूब लेना है, यानी कि एक डब्बी में जो 2 चिकन क्यूब आते हैं ना, आपने एक डिब्बी वो ले लेनी है, ठीक है। और इसके बाद ये 2 चिकन क्यूब इस तरीके से मैं इसमें डालूँगी। एक बाउल में आप चिकन क्यूब को डालो, और इसमें 1 से 2 घूंट आप इसमें पानी का डाल दो, और अच्छा सा इसे डिसॉल्व कर लो, ये अच्छा सा घुल जाएगा। इसमें थोड़ा सा पानी डालने का मकसद यही है कि ये अच्छा सा घुल जाएगा। ये देखें, इसे अब मैं मिक्स करके ना एक साइड पे रख लूँगी, और इतने में उस साइड पे मसाला देख लूँगी कि मसाला हो गया है। और यहाँ पे मैं अब चेक कर रही थी कि मसाला ऑलमोस्ट हो गया था 5 से 7 मिनट तक। ये देखें, प्याज अच्छा सा घुल गया था। मेक श्योर आपने प्याज को और लहसुन अदरक को आपने ब्राउन साइड पर नहीं लेके जाना, बार बार कह रही हूँ, वरना चावल आपका जो है ना वो ब्राउन बनेगा, वाइट नहीं बनेगा। और ये वही जो चिकन स्टॉक के जो 2 क्यूब्स को मैंने डिसॉल्व करके रखा हुआ था वो मैंने इसमें डाल दिया, अच्छा सा मिक्स करूँगी। आप इस तरीके से करोगे ना, बहुत अच्छा सा घुल जाता बीच में। इसके बाद जैसे ये हो गया, मैंने इसमें 3 प्याले पानी के डाल दिए, जितना आपका मेजरमेंट होता है। मैं ये प्याला यूज़ करती हूँ, 1/2 किलो का ये प्याला है, ठीक है। और इसमें मैंने 3 प्याले ये पानी के डाल दिए, मिक्स कर लूँगी। देखिए, साइड पे बॉईल आना शुरू हो गया। अब मैं इसमें डाल दूँगी 2 टेबलस्पून सिंथेटिक सिरका, यानी कि जो सफ़ेद सिरका है वो 2 टेबलस्पून आपने डाल देना है। और इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ, 1/2 घंटा पहले मैंने भिगो के रख दिए थे बासमती राइस, और इसके बाद ये चावल इसमें ऐड कर लिए। चावल ऐड कर लेने के बाद इसको मैं मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे जो मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स बताऊँगी, आपने वो लाजमी देखनी है। आप जितना ज़्यादा चम्मच चलाओगे ना, आपका चावल उतना ही टूटेगा। अच्छा, यहाँ पे आप नमक पूरा कर लें। नमक मुझे कम लग रहा था, 1 टेबलस्पून नमक डाल दिया, और लेवल था, बहुत भर भर के नहीं डाला, ठीक है। और इसके बाद मैं इसमें डाल लूँगी तकरीबन 1 से 1.25 किलो मटर थे, ये मैंने बॉयल करने का आपको प्रोसीजर बता दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मैंने मटर डाल दिए और इसके बाद कवर कर लिया। यहाँ पे आप नोट करना कि मैं किस तरीके से चम्मच चला रही हूँ और मैंने कितना चम्मच चलाते हुए यूज़ किया। मैं इतना कम चम्मच इसमें यूज़ करती हूँ, जितना आप चावलों को हिलाओगे उतना ही आपका चावल टूटता है। अब यहाँ पे दम लगाने का टाइम आ गया था, और मैं यहाँ पे नमक चेक कर लूँगी। बिगनर्स के लिए मैं एक टिप देना चाहती हूँ कि आप यहाँ पे नमक चेक कर लो, जितना आप नॉर्मल नमक खाते हो ना उससे हल्का सा बस तेज़ी रखना, बहुत ज़्यादा वाली तेज़ी ना रखना। और बस दम लगाने से पहले आपने क्या करना है कि ये मैंने फ्रेश कूटी हुई काली मिर्च लेकर वो 2 टेबलस्पून इसमें डाल दी है, और इसके बाद 2 टेबलस्पून आपने बिल्कुल ये एंड पे काली मिर्च डाली है। पहले डालोगे तो चावलों का कलर ख़राब हो जाएगा, वो ब्लैक ब्लैक बनेंगे, वो इस तरीके से वाइट वाले नहीं बनेंगे। बस साथ ही इसे 1 से 2 मिनट मिक्स किया, हल्का सा इसे मिक्स करने के बाद, और इसको मैं साथ ही अब दम दे दूँगी। दम किस पोजीशन पे देते हैं ये भी मैं आपको चेक करा देती हूँ कि अभी जब पानी आपको लग रहा है ना, और जब पानी इस लेवल पे आ जाएगा तो तब आपने इसको अच्छा सा दम दे देना। नीचे तवा रखो और ऊपर इसको कपड़े से कवर कर दो, और इसको ऑलमोस्ट आपने 10 से 15 मिनट का दम देना है। और दम देने के बाद जब ये अच्छा सा चावल बन गया और इसकी स्टीम ऊपर तक आ जाएगी, इसके ढक्कन को आप हाथ लगा के देखोगे ऊपर तक गर्म हुआ है, तो इट मीन्स ये चावलों का दम हो चुका है।
और यहाँ पे अब मैं आपको चेक करा रही हूँ कि ये इतना अच्छा और खिला खिला सा चावल बना है। हेयर इज़ द फाइनल लुक, माशाल्लाह से इतना मज़े का बना था और इसकी खुशबू इतनी ज़्यादा होती है ना, और इसका टेस्ट इतना कोई मज़े का होता है। एक एक दाना आपको खिला हुआ नज़र आ रहा होगा, आप लाजमी ट्राई करें। मेरे चैनल पर नहीं आते हो तो इसे सब्सक्राइब कर लिया करें, बिल्कुल फ्री होता है और ये आपकी तरफ से मोटिवेशन होती है, आपकी तरफ से प्यार होता है, एक अपनाइयत होती है जो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें देते हो। और इसके अलावा मेरी वीडियो अच्छी लगी हो इसको कर दें लाइक, और इसको शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि वो बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपी, बहुत ही ईजीएस्ट वे में बनने वाली रेसिपी सीखें और इसे अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। ये देखें, अब मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। अच्छा, अगर आपने ऐसे खाना है तो आप ऐसे खा लो, लेकिन मैं हल्का सा इस पे लेमन स्क्वीज़ करके खाती हूँ। और ये जो साइड पे कटलेट नज़र आ रही है, ये ग्रीन कटलेट, इसकी रेसिपी भी मैं आपको दे चुकी हूँ, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाके बनाना। और इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही कमाल का बनता है। और ये देखें चावलों को अब मैं दिखा रही हूँ, देखें एक एक दाना खिला हुआ है और इस तरीके से चावल कितना लंबा बना है। अगर मैं बहुत ज़्यादा चम्मच यूज़ करती तो ये चावल टूट जा रहा था। ये देखें, यहाँ पे मैं आपको क्लोजअप आपको दिखा रही हूँ, आपको खुद आइडिया हो रहा होगा कि चावल कितना अच्छा बना है। अल्लाह ताला हम सब के रिस्क में बरकत दे, अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह ताला बुरे लोगों, बुरे वक्त और बुरी घड़ी से हम सब को हमेशा बचा के रखे। एंड फ्रॉम माई साइड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।